हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास टू का रूट्स एंड विंग्स। सो आज के वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट पोएम। पोएम का नाम है द वाइट विंडो। सो ये है आपका पोएम। पोएम का नाम है द वाइट विंडो। तो एक वाइट कलर का विंडो, एक सफ़ेद विंडो। विंडो क्या है? खिड़की। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई सोने के लिए लेटा है, कोई बच्चा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, एक बच्चा सोने के लिए लेटा है और उसी के रूम में जो है एक खिड़की है। वो रात को सोने लेटा है और वो अपनी खिड़की के बाहर देख कर हमसे कुछ बताना चाहता है। सो देखते हैं वो क्या कह रहा है। सो ये देखिए, ये छोटा सा पोएम है और इस पोएम के पोएट का नाम है जेम्स स्टीफेंस। ओके, तो नाम याद रखिए पोएट का। पोएट का नाम है जेम्स स्टीफेंस, ठीक है, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। तो चलिए अब हम पोएम को रिसाइट करते हैं। तो हम पोएम का एक एक लाइन रीड करेंगे और उसका मतलब समझेंगे, ठीक है। द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप थ्रू द विंडो वेयर आई लाई, बट आई प्रिटेंड टू बी एस्लीप एंड वॉच द मून गो स्लोली बाय and she never makes a sound. She stands and stares and then she goes to the house that's next to me, stealing by on tippy toes to peep at fork asleep maybe, and she never makes a sound. तो ये है आपका poem। तो चलिए अब इसका मतलब भी समझते हैं। सो यहाँ पर ये बच्चा जो है ना मून के बारे में बात कर रहा है, चांद के बारे में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप। ये जो मून है, ये जो चांद है ना, वो हर रात को आता है मेरे पास। मतलब एवरी नाइट मतलब हर रात को आता है, टू पीप, पीप मतलब झांकना। जब हम किसी चीज़ को झांक कर देखते हैं ना, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं पीप, ठीक है। मतलब बहुत ही झांक कर देखने की कोशिश करना। ये बॉय बोल रहा है कि हर रात को ना ये मून आता है मेरे पास और झांक कर मुझे देखता है। तो वो अपनी खिड़की से देख रहा है कि मून हर रात को आता है और उसे झांक कर देखता है। कहाँ से? थ्रू द विंडो वेयर आई लाई। थ्रू द विंडो मतलब विंडो से, विंडो के अंदर से वो देखता है मून, जहाँ पर मैं सो रहा होता हूँ। वेयर आई लाई तो मैं जहाँ पर लेटा हूँ ना, वहाँ पर एक खिड़की है और उस खिड़की से जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि बाहर से जो मून है वो हर रात को मुझे झांक कर देखता है। तो ये बच्चा ऐसे बोल रहा है। बट आई प्रिटेंड टू बी एस्लीप। प्रिटेंड का मतलब नाटक करना, पर मैं जो हूँ नाटक करता हूँ कि मैं सो रहा हूँ। तो वो बॉय बोल रहा है कि पर देखिए, जब मून इस तरीके से झांक कर मुझे देखता है ना, तो मैं तो ऐसे ही नाटक करता हूँ जैसे कि मैं सो रहा हूँ, पर सच में मैं सोया नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ। एंड वॉच द मून गो स्लोली बाय, और मैं ये देखकर वहाँ लेटे रहता हूँ कि ये मून कैसे मेरे पास से वहाँ से फिर चले जाता है। जब रात को आप देखते हो मून, तो वो हमेशा आपको क्या एक ही जगह पर दिखाई देता है? नहीं, है ना। हमें लगता है ना कि मून मूव कर रहा है, लेकिन मून नहीं मूव कर रहे, हम मूव कर रहे हैं। हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है तो हम भी रोटेट होते हैं उसके साथ, है ना। और इसी कारण हमें लगता है कि मून आकाश में मूव कर रहा है, लेकिन मून कहीं मूव नहीं कर रहा, हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, हमारी भूमि जो है घूमती है ना। तो इसीलिए हम जो है अपने पोजिशन से हट जाते हैं, तो हमें लगता है कि चांद जो है मूव कर रहा है। तो ये लड़का बोल रहा है, तो मैं जो हूं वहां लेटे लेटे नाटक करता हूं कि जैसे मैं सो रहा हूं, पर मैं ये देख रहा होता हूँ कि कैसे मून जो है वहाँ से फिर हटकर मेरे पास से गायब हो जाता है। मतलब मून को देख रहा होता है कि मून कैसे उसके पास से स्लोली चला जाता है। एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड। यहाँ पर शी का मतलब है मून, ठीक है। तो शी जो है इस मून के लिए यूज हुआ है। और शी नेवर मेक्स अ साउंड मतलब, और जब मून जब स्लोली जाती है ना मेरे पास से, मतलब मेरी खिड़की से वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, तो वो जब जाती है तो वो कोई आवाज नहीं करती विदाउट मेकिंग एनी साउंड। मतलब कोई भी आवाज किए बिना वो चुपचाप मेरे खिड़की से हटकर चली जाती है। मतलब वो फिर दिखाई नहीं देती उसको। देन
She stands and stares and then she goes. और वो जाने के पहले वो एक जगह पर खड़ी रहती है. तो she का मतलब again moon, okay? जहाँ जहाँ पर she है ना, तो वो moon के लिए use हुआ है. तो वो जो है stands, वो वहीं पर खड़ी रहती है और मुझे stare करती है. Stares करना मतलब किसी को घूरना. आपको लगता है ना कि moon वहीं पर खड़े होके आपको घूर रहा है, तो उस लड़के को लग रहा है कि moon वहीं पर खड़ी है और वो मुझे घूरती जा रही है. And then she goes. और उसके बाद ही वो जाती है, बहुत देर तक खड़े होके मुझे देखती है, फिर जाती है. कहाँ जाती है? To the house that's next to me. और वो जाती है अगले घर की तरफ जो कि मेरे बगल में है. Next to me मतलब मेरे बगल वाले घर की तरफ फिर वो चली जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि चांद वहाँ से मूव करके आगे बढ़ गया है. Then stealing by on tippy toes. Tippy toes मतलब दबे पांव चलना. जब हम बोलते हैं ना कि कोई धीरे धीरे चल रहा है बिना किसी आवाज के, जब हम धीरे धीरे चलते हैं उसको हम बोलेंगे tippy toes पे चलना, धीरे धीरे आराम से बिना किसी आवाज के, ठीक है? तो वो है tippy toes पे चलना. तो ऐसे कौन चलता है? मून ही चल रहा है, क्योंकि वो कोई आवाज नहीं बनाता, वो चुपचाप करता है जो करता है और फिर वहां से वो चले जाता है. Stealing by me मतलब मुझसे चोरी चोरी छुपकर वो आराम से चले जाता है. कहाँ जा रहा है वो? देखिए, टू पीप, झांकने के लिए. कहाँ? एट फॉक. फॉक मतलब यहाँ पर इसका मतलब है पीपल, बहुत सारे लोग. उसके नेबरहुड में जो भी लोग हैं, उसके एरिया में जितने भी लोग हैं ना, उन सभी लोगों के लिए ये वर्ड यूज हुआ है फॉक. उसका मतलब है कि मून जो है फिर वहाँ से चले जाता है. टू पीप एट फॉक. अब दूसरे लोगों को झांकने के लिए वो चला गया जो कि सो रहे हैं. स्लीप मतलब जो सो रहे हैं. तो वो बाकी लोगों को फिर घूरने के लिए चला जाता है जो सो रहे होते हैं. तो मे बी का मतलब हो सकता है. तो बच्चा बोल रहा है कि हो सकता है अब ये मून जो है बाकी लोगों को जो सो रहे हैं उनको भी झांकने के लिए चला गया होगा. और वो कैसे गई होगी? एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड. और फिर भी वो कभी भी आवाज़ नहीं करती. मतलब जो करती है चुपचाप करती है, एक जगह पर खड़े होकर सबको घूरती है, सबको झाँक कर देखती है, सबकी खिड़कियों से वो झाँकती है. तो कभी कभी खिड़की खोलते हो आपको दिखाई देता है ना मून. बच्चा बोल रहा है कि वो सबके घरों में जाकर उन लोगों को देखती है, झांकती है, उनको घूर घूर के देखती है, फिर वो वहां से चली जाती है बिना कि कोई आवाज बनाए, ठीक है? तो यही आपका एक छोटा सा पोएम है जिसका नाम है द वाइट विंडो. तो यहाँ पर एक बच्चा बात कर रहा है मून के बारे में. तो यही आपका पोएम है. होप कि आपको समझ में आया होगा. तो चलिए अब इसके बैक एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया है. देखिए, पीप करना मतलब जल्दी से किसी को देखना, वो भी एक नैरो ओपनिंग से, मतलब पतली सी जगह होगी. जैसे खिड़की तो नैरो ओपनिंग है और उसके अंदर से भी चुपचाप कोई वहां से जल्दी से देखता है, तो वो है पीप करना, मतलब झांक कर देखना, किसी को जल्दी से देखना, ठीक है? देन प्रिटेंड करना, नाटक करना. नाटक करना कि हम जैसे कि हम कुछ और कर रहे हैं. स्टेयर्स अपनी आंखों को खुला ही रखकर किसी को देखना, जिसे हम बोलते हैं घूरना, तो वो है स्टेयर्स. टिपी टोस जैसे हमने बोला दबे पांव चलना, किसी को बताए बिना, बिना किसी आवाज किए बिना चलना. अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस. द मून कम्स एवरी नाइट एंड पीप्स थ्रू द, कहां से वो पीप करता है, कहां से वो जागकर देखता है? विंडो से, खिड़की से, ठीक है? देन नेक्स्ट, द पोएट थिंक्स दैट द मून नेक्स्ट गोज टू द, तो पोएट को लगता है कि मून इसके बाद कहां जाएगा? हाउस ऑफ हिज नेबर्स, मतलब अपने पड़ोसी के घर में अब वो जागने जाएगा, ये उसको लगता है. देन अब यहाँ पे देखिए, पोएम से आपको लाइन ढूंढने हैं और बताना है कि पोएट किस लाइन में इस बात को कह रहा है. कौन सी बात को? विच लाइन इन द पोएम टेल्स अस दैट पोएट एक्ट एज इफ ही इज एस्लीप. तो ये कौन सी लाइन थी जिसमें पोएट बोल रहा था कि मैं नाटक कर रहा हूँ जैसे कि मैं सो रहा हूँ? तो वो लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है. तो वो कौन सी लाइन है? ये, बट आई प्रिटेंड टू बी अस्लीप. तो ये लाइन है पोएम की जिसमें पोएट कह रहा है कि मैं सोने का नाटक करता हूँ. उसके बाद विच लाइन इन द पोएम टेल्स अस दैट मून मूव्स क्वाइटली ऑन हर टोस. तो कौन सी लाइन है पोएम में जिसमें पोएट बोलता है कि जो मून है अपने टोस पे चलता है? वो है स्टीलिंग बाय मी ऑन टिपी टोस. इस लाइन में पोएट कह रहा है कि वो अपने टोस पे चलता है. और उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, वर्ड्स को उनके अपोजिट्स के साथ मैच करना है, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द के साथ वर्ड्स को मिलाना है.
सो फर्स्ट वर्ड है कम्स। कम्स का मतलब क्या है? आना। तो ऑपोजिट क्या होगा? जाना, गोस। रात, नाइट, तो ऑपोजिट होगा दिन, जो कि है डे। देन अस्लीप, अस्लीप मतलब सोना, तो उसका ऑपोजिट क्या है? अवेक। ये सब ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये सब भी आप याद करिए, ऑपोजिट वर्ड्स में आ सकते हैं। देन नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा। तो ऐसे आपको जो है वर्ड्स को मैच करना है उनके ऑपोजिट से। और ये पोएम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।